इसी प्रकार सहकारी समितियां अधिनियम 1984 के तहत पंजीकृत 19 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने भी सुधार के लक्षण दर्शाए हैं। लाभ कमाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या 2013-14 में 5 से बढ़कर 2017-18 में 7 हो गई और इसी अवधि के दौरान इनका लाभ 72.91 करोड़ रुपए से बढ़कर 132.20 करोड़ रुपए हो गया। नई पहल। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बजट वर्तमान सरकार के इस कार्यकाल का अंतिम बजट होगा। यह बजट अति महत्वपूर्ण है क्योंकि संयोग से हमारे मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में हरियाणा की अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था से भी तेज गति से बढ़ रही है। हमारी सरकार ने प्रदेशवासियों की सेवा के लिए अति गंभीरता से प्रयास किए हैं और हरियाणा को देश का अति विकसित राज्य बनाने के लिए विजन 2030 दस्तावेज में की गई परिकल्पना के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मई इस वर्ष महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती हम मना रहे हैं। मैं उनके एक प्रसिद्ध कथन का उल्लेख करना चाहूँगा जिसमें कहा गया है, मैं तुम्हें एक मूल मंत्र देता हूँ, एक गरीब से गरीब और कमजोर से कमजोर व्यक्ति का स्मरण करो और स्वयं से पूछो कि जो कदम तुम उठाने जा रहे हो वो उसके किसी काम का है या नहीं। मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो अंत्योदय के मंत्र देते हुए कहा था उसका उल्लेख भी करना चाहूंगा। उन्होंने कहा था, आर्थिक योजनाओं और आर्थिक विकास का आकलन उन लोगों से नहीं किया जा सकता जो अर्थव्यवस्था की सीढ़ी से ऊपर चढ़ गए हैं, बल्कि इसका आकलन उन लोगों से होता है जो अभी भी नीचे हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारे देश के महापुरुषों के विचारों और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर अपने उत्तर में की गई घोषणा की भावना के अनुसरण में 5 एकड़ तक की भूमि के काश्तकार किसान परिवारों और असंगठित क्षेत्र में लगे श्रमिकों के परिवारों जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये से कम है को वित्तीय एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए नई स्कीमें घोषित करते हुए मुझे बड़ा गर्व हो रहा है। किसानों के मामले में यह भारत सरकार द्वारा घोषित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के अलावा होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बजट में इन स्कीमों के लिए अलग से 1500 करोड़ रुपए का आवंटन करता हूं। इसके अलावा जमीनी स्तर पर रोजगार और आजीविका प्रदान करने में दस्तकारों, कमेरों और अन्य शिल्पकारों द्वारा किए जा रहे महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देते हुए और उनकी आर्थिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सी और डी खंडों में 20 किलोवाट तक के कनेक्टेड भार पर 2 रुपए प्रति किलोवाट की दर से पहले से मिल रही सब्सिडी के अलावा ए और बी खंडों में 10 किलोवाट तक के कनेक्टेड भार पर 2 रुपए प्रति किलोवाट की दर से सब्सिडी प्रदान करने का सरकार प्रस्ताव करती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में राज्य वित्त एवं बजट के प्रबंधन में बड़ा परिवर्तन करके हरियाणा ने देश में एक अग्रणी स्थान हासिल किया है। पिछले 4 वर्षों में प्रदेश के वित्त और राजकोषीय प्रबंधन में उल्लेखनीय परिवर्तन लाने में सक्षम हुए हैं। वित्तीय जवाबदेही, सरकारी विभागों और सार्वजनिक धन प्राप्त करने वाली ऐसी सभी संस्थाओं की जवाबदेही बढ़ाने के प्रयास स्वरूप राज्य सरकार का हरियाणा सार्वजनिक वित्त की जवाबदेही विधेयक 2019 लागू करने का प्रस्ताव है। लागू होने के बाद यह विधेयक सभी विभागों और सार्वजनिक धन प्राप्त करने वाली संस्थाओं में उपयुक्त लेखा और लेखा परीक्षा प्रणालियों के माध्यम से सार्वजनिक वित्त की जवाबदेही बढ़ाने के लिए एक प्रभावी और कुशल प्रणाली उपलब्ध करवाएगा। इसके अलावा सरकार सार्वजनिक वित्त के बेहतर प्रबंधन और जवाबदेही तथा प्रस्तावित कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए हरियाणा राज्य लेखा परीक्षा एवं लेखा सेवाओं के गठन का भी इरादा रखती है। आउटपुट आउटकम फ्रेमवर्क। माननीय अध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नीति आयोग के साथ मिलकर कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए हमने जून 2017 में विजन 2030 दस्तावेज तैयार किया था। स्वर्ण जयंती हरियाणा राजकोषीय प्रबंधन संस्थान चालू किया और इन लक्ष्यों के लिए पिछले वर्ष बजटीय आवंटन में 20 संरेखित किया गया था। इस वर्ष एक कदम आगे बढ़ाते हुए मैं बजट 2019-20 के लिए आउटपुट आउटकम फ्रेमवर्क शुरू करने का प्रस्ताव करता हूँ। ये चरणबद्ध ढंग से सतत विकास लक्ष्य हासिल करने की दिशा में सार्वजनिक खर्च को संरेखित करने वाला एकीकृत ढांचा प्रदान करने के आधार स्तंभ के रूप में कार्य करेगा। यह फ्रेमवर्क सभी हितधारकों के बीच सरकार के कल्याण और विकास गतिविधियों के बारे में गहरी समझ पैदा करेगा और विभागों को वर्ष के दौरान उनके प्रदर्शन पर नजर रखने में सक्षम बनाएगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस बजट के जो कुल दस्तावेज यहाँ उपलब्ध कराए हैं
उसमें एक बुकलेट हमने बनाई है। ये आउटपुट आउटकम फ्रेमवर्क के नाते से हरियाणा सरकार के जिला स्तर से भी नीचे सब डिवीजन और ब्लॉक स्तर तक के अधिकारी को वो किताब मिलेगी। हर विभाग के अधिकारी को ये पता होगा उसके विभाग का किस चीज़ के खर्च के लिए कितना पैसा उसको मिला है, और उसके ब्लॉक के स्तर पर भी अगर उसकी जिम्मेदारी है तो उसको कितना पैसा मिला है, और उसके जो योजना है जिसके लिए पैसा मिला है उसका आम आदमी के जीवन में उसका परिणाम क्या आना चाहिए वो भी उसके अंदर रेखांकित किया गया है टेबल में, और वो अपनी साल भर की प्रोग्रेस महीनेवार उसको वो मॉनिटर कर सके। एक पूरे हरियाणा प्रदेश में एक नए प्रकार की जवाबदेही प्रशासन व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए ये दस्तावेज तैयार किया गया है। मैं सदन का इस पर समर्थन चाहता हूँ। समझौता पत्र पर हस्ताक्षर पहली बार सहकारी संघवाद की भावना के अनुरूप राजकोषीय प्रबंधन, वित्तीय सेवा और सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता के क्षेत्रों में हरियाणा और गुजरात राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ाने और मजबूत करने के उद्देश्य से दोनों राज्यों के वित्तीय विभागों के बीच एक समझौता करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। सरकार राज्य की विकास गति को बनाए रखने के लिए राजकोषीय दूरदर्शिता का परिचय देते हुए उपयोगी परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए वित्तीय संसाधनों का लाभ उठाने की आवश्यकता को समझती है। इसलिए संसाधनों का कुशल और विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा निष्पादन से जुड़ा परिव्यय पीएलओ के नाम से एक नई योजना शुरू की गई है, जिसका जिक्र मैंने विंटर सेशन के अंदर दिसंबर के सत्र में किया था। पीएलओ स्कीम के कार्यान्वयन से राजकोषीय दूरदर्शिता को प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे राज्य के वित्तीय अनुशासन में सुधार होगा। ये विभागों को लाभकारी उपयोग हेतु संसाधनों को लक्षित करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। इसके अलावा यह फंड की पार्किंग पर अंकुश लगाने और साल के अंत में ताबड़तोड़ निकासी को रोकने में भी सहायक होगा। इससे वित्त विभाग को विभागों की अवशोषक और खर्च करने की क्षमता का आकलन करने के बाद बजट के पुनः आवंटन में मदद मिलेगी। हरियाणा सरकार ने पहली बार कॉरपोरेट सैलरी पैकेज के तहत सरकारी कर्मचारियों को कई लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से बैंकों के साथ बातचीत करके एक अनूठी पहल की। इस योजना के तहत कर्मचारियों की प्राकृतिक मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए देना, 50,000 रुपए की चिकित्सा सुविधा, 30 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा जैसे कई लाभ प्रदान करने के लिए 4 बैंकों SBI, HDFC, PNB और हरको बैंक को चुना गया है। एक अन्य ऐतिहासिक पहल के रूप में सरकारी संस्थानों को सार्वजनिक धन की प्रति जवाबदेही बनाने और विकास गतिविधियों के लिए धन का उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए संबंधित संगठनों के पास निष्क्रिय पड़ी निधियों को की मात्रा का पता लगाने के लिए एक बार की कवायद की गई थी। इस कवायद के परिणाम स्वरूप सरकार उल्लेखनीय मात्रा में अप्रयुक्त धन का पता लगाने में सक्षम हुई है। हाल ही में निगमित हरियाणा वित्तीय सेवाएं लिमिटेड इन निधियों का दक्षतापूर्ण ढंग से समेकन और नियोजन करेगी। बजट 2019-20। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2019-20 के लिए मैं 1,32,165.99 करोड़ रुपए का बजट का प्रस्ताव कर रहा हूं, जो कि बजट अनुमान 2018-19 के 1,15,198.29 करोड़ रुपए के परिव्यय पर 14.73% और संशोधित अनुमान 2018-19 के 1,20,375.40 करोड़ रुपए से 9.79% अधिक है। इस बजट परिव्यय में 37,924.09 करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय के रूप में 28.7% और 94,241.90 करोड़ रुपए के राजस्व व्यय के रूप में 71.3% परिव्यय शामिल हैं। पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष के बजट आवंटन को भी मैंने सतत विकास लक्ष्यों के साथ संरेखित किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 1.32 लाख करोड़ रुपए के कुल बजट में से 46,565.37 करोड़ रुपए प्रदेश में क्रियान्वित किए जा रहे 15 सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित योजनाओं के लिए आवंटित किए गए हैं, जिसका विस्तृत विवरण अलग दस्तावेज में दिया गया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपको स्मरण होगा कि हमने हरियाणा सरकार के पूरे जो एक्सपेंडिचर है इसको जो मिशन विजन 2030 जिसको हरियाणा ने लिया है UNDP के साथ मिलकर के, उसके जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं उसके साथ साल दर साल उसके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमने उस बजटरी एलोकेशन को अलाइनमेंट करने का काम किया था, और उसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। क्षेत्रवार आवंटन कृषि और संबद्ध क्षेत्र। माननीय अध्यक्ष महोदय, कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ राज्य सरकार के लिए सदैव प्राथमिकता का क्षेत्र रही हैं। हम कृषि में आमूलचूल परिवर्तन लाना चाहते हैं। इसके लिए हम आगामी वर्षों में परंपरागत फसल उत्पादन की अपेक्षा बागवानी फसलों, पशुपालन और मत्स्य पालन पर ध्यान केंद्रित करके इन क्षेत्रों को समग्र एकीकृत प्रगतिशील और भविष्योन्मुखी बनाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हमारा किसान अन्नदाता से ऊर्जादाता बने।
उनके इस विजन को आगे बढ़ाने के लिए हरियाणा सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में कई पहल की हैं, जिनमें राज्य में बायोमास ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए जैव ऊर्जा नीति 2018 की अधिसूचना, जिसमें वर्ष 2022 तक 150 मेगावाट की परियोजनाएं स्थापित करने का लक्ष्य है। वर्ष 2018-19 में 18 मेगावाट और वर्ष 2019-20 में 30 मेगावाट क्षमता के ग्रिड से जुड़े रूफटॉप सोलर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना, किसानों की सिंचाई जरूरतों को पूरा करने के लिए सौर ऊर्जा पंप प्रणालियां प्रदान करने की स्कीम क्रियान्वित करना शामिल है।